चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला सुवे लाल दुआनेनी तेरे इना कुंड लाने साडे कत्ल कराने नी वे चली दे आ चले आ तेरे इना कुंड लाने साडे कत्ल कराने नी वाह 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 पग दिए रावी विच सुटनियां कंगियां सारा जग छड़ के मैं तेरे रंग रंगियां सब तू सोनिया हाय वे मन मोनिया मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई वे सब तू सोनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम फन और वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद नाज़रीन आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो हमारे दोस्त हमारे भाई हमारे लर्नर कौंसल उनका ताल्लुक है वज़ीराबाद से मेरा ख्याल है कि वो लास्ट टाइम जो मैंने बात की थी ना वो हमारे दोस्तों ने सुन ली है अब थोड़ा सा जो दूर दूर हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और हम सब महसूस होंगे उनकी अच्छी अच्छी बातों से उनके म्यूज़िक के ज़ौक से उनकी अच्छी शायरी से तो मेरे साथ जनाब मौजूद हैं जनाब मेहर आसिम अली हुसैन एडवोकेट हाई कोर्ट अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आसिम बहुत खुशी हुई तो कब से यहाँ पे आए हैं जुडिशरी की तैयारी कर रहे जी मैडम मैं जुडिशरी की तैयारी के लिए आया हूँ अच्छा तो आसिम जो सबसे मज़े की बात थी ना उस इलेक्शन में आपने रौनक शौनक बड़ी लगाई हुई थी आपने काफ़ी सारे दोस्त साथ इकट्ठे किए हुए थे और एक अपना बड़ा एक पूरा ग्रुप जा रहा होता था कोई गुनगुना रहा है कोई गा रहा है कोई थोड़ा बहुत पोइट्री कर रहा है तो बड़ा मज़े का एक माहौल आपने क्रिएट किया हुआ था तो आपको भी अच्छा लगा जी बहुत अच्छा लगा इसकी मैडम एक मेन रीज़न पीछे ये है मैं अपने ऊपर अल्लाह ताला का खसूसी करम समझता हूँ कि उसने मुझे ये सलाहियत दी है मैं जिस बंदे से एक मुलाकात कर लूँ दोबारा दिल करता है कि वो मुलाकात दोबारा करे हाँ अगर किसी को हसद है तो उसका तो कोई मैं नहीं कह सकता ठीक है ऐसी बातों में खैर पढ़ना भी नहीं चाहिए आपने अच्छा लॉ कहाँ से किया पंजाब यूनिवर्सिटी से किया पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है गुजरात लॉ कॉलेज अच्छा वहाँ से आप हाँ जी और मैं फख्र से कहता हूँ कि उस कॉलेज से मुझे अच्छी तालीम मिली है तो मैं नलायक सा स्टूडेंट था अच्छा तो मुझे लोग ताने देते थे कि इसने वकील नहीं बनना ओहो ठीक है तो मैंने वो बात जेन में डाल दी थी मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ताने दिए थे और उनके मैंने ताने को खत्म करने के लिए और उनके तानों की वजह से मैडम मैं अल्लाह के फजल से LLB पार्ट 3 में कॉलेज पूरे में मेरी पोजीशन थी सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे माशाल्लाह वेरी नाइस अच्छा बाकी भी मुझे पता है कि आप थोड़ा सा गेम की तरफ भी आपका शौक है लेकिन पहले आप कुछ हम थोड़ा सा सुनाएं सॉन्ग सुनाता हूँ आपको हर कैटेगरी के सॉन्ग है क्योंकि म्यूजिक मेरी रूह है मेरी तन्हाई की साथी है क्योंकि इसने धोखा नहीं देना होता नगमा और शेर से है प्यार मुझे हाँ कब है इस दिल पे इख्तियार मुझे तो ये तो अपना अपना शौक है ना भाई इसमें तो इंसान को इसमें कोई इतना ज्यादा उसमें छुपाने की बात भी नहीं है बड़ा पॉजिटिव सा शौक है जी तो चले चमकते चांद को वाह चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला जबरदस्त जबरदस्त बहुत अच्छा गाया आपने देखिए वो एक उस्ताद हैं भाई उनका बंदा मुकाबला तो नहीं, कर सकता। लेकिन बहरहाल आपने बहुत अच्छा निभाया और ख़ास तौर पे इनकी ये जो स्पेशल ये इस तरह करते हैं ना ये इनकी बड़ी स्पेशलिटी है आप देखिए कि ये कोई नहीं कर सकता नहीं कर सकता ये इनके हर गाने में ये बड़ा खूबसूरत ये बड़ा लगता है जो एक चीज़ हो रहा है कि वो ये कि मैं पैरोडी कर लेता हूँ किसी बंदे का चलने का स्टाइल बात करने का स्टाइल वो मैं फौरन पिक कर देता हूँ इमरान खान की मैं पैरोडी कर लेता हूँ बिलावल की कर लेता हूँ तो
مریم کی بھی کہہ لیں. اچھا مریم کی بھی کہہ لیتے لیکن وہ تو خاتون اور لیڈی کی, وہ اس کی آواز تو نہیں میرے جیسی لیکن اس کے ہاتھ کا سٹائل مجھے ضرور آتا ہے یار. اچھا اچھا وہ بھی کر لیتے ہیں. واہ جی واہ, چلے جی وہ بھی. اور میں اتنی پیروڈی, یہ جس استاد صاحب کے پاس میں جونیئر تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جسٹس لگائے, چیف جسٹس آف پاکستان لگائے. اچھا ان کا نام ہے نوید انجم سلیمی صاحب, اڈیشنل سیشن جج لگے ہوئے ہیں. تو ایک شخصیت قائد اعظم کی تھی میرے ذہن میں, ان کو لے کے میں آگے وکیل بننے کی کوشش کی تھی. یہ دو پرسنالٹیز ہیں. اچھا شاعری وائری بھی کرتے رہے میڈم؟ شاعری میں کرتا تو نہیں ہوں لیکن سن لیتا ہوں. اچھا یہ تارک عزیز شو میں جو وہ ہوتے تھے بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا. ہاں پھر ایک اور بات, اسکول لائف میں میں دوست تھے تو ان کو میں ڈائریاں لکھ کے دیتا ہوتا تھا, چونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میری اردو کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے. اچھا تو میں چارٹ وغیرہ لکھ کے دیتا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر دوستوں کو ڈائریاں کیوں لکھ کے دیتے تھے آپ؟ وہ ڈائری وہ خود کیوں نہیں لکھتے تھے؟ وہ ان کی ہینڈ رائٹنگ گندی تھی تو پھر ان کو لکھنا نہیں تھی آتی. اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں مارکر کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ بنا بنا کے پیاری سی, انہوں نے کدھر گفٹ کہیں گفٹ دینی ہوتی تھی تو اس لحاظ سے پھر کہیں گفٹ دینی ہوتی تھی تو آپ ان کے میں ان کی ہیلپ کر دیتا تھا. صدقہ جاریہ سمجھ کے جی, صدقہ جاریہ سمجھ کے علم اور سنائے تو چار اچھے اچھے شعر جو صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ نے جاری فرمائے. ہاں کتابیں میں نے پڑھی تو نہیں کبھی غزلوں کی شعروں کی, لیکن جو لکھ کے دیتا تھا نا ان میں سے مجھے ایک دو شعر یاد ہے. ٹھیک ہے وہ میں سنا دیتا ہوں. نائنتھ ٹینتھ کی بات ہے یہ. ہاں وہ یہ ہے, اگر یاد رکھو تو دل کے پاس ہیں ہم, بھول جاؤ تو فاصلے ہیں بہت, کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, اس گلی کی دوسری جانب کوئی راستہ ہی نہیں. پھر ایک شعر میں نے یہ لکھ کے دیا تھا, ایک بے وفا کے زخموں پہ مرہم لگانے ہم گئے, مرہم نہ ملا مرہم کی قسم, مرہم کی جگہ مرہم گئے. اوئے ہوئے یہ تو واقعی وہی کالج لائف کی شاعری ہے. یہ سمجھ اب ان باتوں کی باہر ہی ہے, جس میں دل کا ذکر ہے, زخموں کا ذکر ہے, روح کا ذکر ہے. چلے خیر ساری زندگی چیزیں تو یہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں لیکن ٹائم کے ساتھ انسان کو پھر اپنے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے, بچپنا ہوتا ہے, اس وقت کنٹرول نہیں ہوتا, جو بات آپ کے دل میں ہوتی ہے آپ کہہ دیتے ہیں. اچھا نہیں تو وہ جو جمپ آپ نے ٹپے سنانے تھے, ہاں ٹپے بھی ہیں وہ جو جمپ سنائے تھے وہ سناتا ہوں. جن کے کنڈلے بال ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے مجھے ایک ٹپا یاد آ جاتا ہے, سوے لال دوانے نی تیرے اینا کنڈلانے ساڈے قتل کرانے نی, وے چلی دیا چلے آ تیرے اینا کنڈلانے ساڈے قتل کرانے نی. واہ واہ واہ. ہو بنیا تے نہیں کان بیندے, ہو بنیا تے نہیں کان بیندے, عاشق مر جاندے, ہو صدا دنیا تے نہ رہندے, ہو صدا دنیا تے نہ رہندے. یہ جیسے عاشق لوگ مر گئے ہوئے ہیں, سونی مہیوال, ہیر رانجا, سسی پنو, آج بھی ہم انہیں کتنا یاد کرتے ہیں, کتنا نام ہی ہے نا ان کے. اب وہ سچے عاشق تھے. میں کہتا ہوں جس کا عشق ہو نا اس کو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے. اچھا ہاں نکاح کر کے اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہیے, کیونکہ وہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی اسی خوبصورتی کے ہوں گے. کیا بات, کیا بات, بہت اچھی بات ہے یہ تو. خیر واقعی آپ نے بڑی اسلامی پوائنٹ. اور ایک اور میں بات, یہ جو دوستیاں فرینڈ شپس ہوتے ہیں لڑکے لڑکیوں کی, اس کو بھی نکاح میں کنورٹ کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات کی, میں ان رشتوں کا قائل ہوں. صحیح, بہت اچھی. اچھا آپ ایسے اکیلے ہی ہیں گھر میں آپ کے؟ ہاں میں اکیلا بیٹا ہوں گھر والوں کا جی. اس بات پہ بھی مجھے بہت فخر ہے. کس بات کا فخر ہے؟ میں اکیلا ہوں. آپ مس نہیں کرتے اپنے بہن بھائیوں کو؟ دو پہلو ہیں, ایک تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ کسی کو کتنے بہن بھائی پرووائڈ کرے, یہ اس کا اختیار ہے. دوسری بات اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھی جائے تو بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ بازو بھی ہوتے ہیں, فخر ہوتے ہیں خاندان میں, سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے بچے ہوتے ہیں, بھتیجے بھتیجیاں, یہ تو بات ہوگی ایک علیحدہ. دوسری ایک دوسرے نیگیٹو پہلو کی طرف جائیں تو وہ شریک بھی خود ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے یہ جتنے دیکھ لیں مقدمے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں, ہم شریک کی طرف نہیں جاتے, ہم صرف اسی پہ جاتے ہیں کہ پراواں دیے باواں, اللہ تعالیٰ سب کو دے خیر چلے, وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ ہے کہ مجھے اتنا یقین ہے کہ میرا اگر کوئی بہن بھائی ہوتا تو ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی تھی. مجھے فخر ہونا تھا کہ اس کو میں مطلب جج بناؤں, وکیل بناؤں,
उसको इज्जत के साथ लेके अच्छा वकालत से आपको प्यार बड़ा लगता है बहुत प्यार है मैडम अपने प्रोफेशन का जिक्र बार-बार करते हैं ये बहुत अच्छी बात है वो इसलिए मैं जिक्र करता हूं जब तक हम अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं करते हम उसमें तरक्की भी नहीं कर सकते वो इसलिए कि मैं फिर इसके पीछे एक मेरी गाइडलाइन है मेरी तसव्वुफ से बड़ा शौक है मुझे मेरी रूहानियत तौर पे मेरा अल्लाह ताला मेरी मदद करते हैं रूहानी तौर पे मैं जो बात रूहानी तौर पे फिट हो जाती है वो ता कयामत आपका साथ देती है मसलन हमारा वकालत इतना अच्छा प्रोफेशन है इसके तवक्कल के बारे में सीखना है तो हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तवक्कल सीखना है तो उन परिंदों से सीखो जो सुबह खाली पेट अपने घरों से जाते हैं शाम को पेट भर के आते हैं कल के लिए उनके पास कुछ नहीं वैसे वकील भी वो परिंदे ही वो परिंदे ही हैं जी काले कोट पहने हैं आप देखिए सिर्फ एक पेन उठाया हुआ होता है जेब के साथ लगाया हुआ होता है और वो चले जाते हैं अल्लाह के तवक्कल पे तो अच्छा चलिए अब आप क्या सुनाएंगे आप हमें अब मैं आपको गाना सुनाऊंगा जी चलिए सुनाएं बस वे डोला तू अखियां दे कोल कोल बस वे डोला तू अखियां दे कोल रो सामने वेरो सामने चन्ना वे मुंह बोल पावे ना बोल बस वे डोला तू अखियां दे कोल कोल वग दिए रावी विच सुटा मैं गंडेरियां एक वारी कह जो दिता तेरियां मैं तेरियां एक बारी कह जो दिता तेरियां मैं तेरियां बस वे डोला तू अखियां दे कोल कोल वग दिए रावी विच सुटा मैं रुमाल वे एहो दिल चांदा सदा रवा तेरे नाल वे एहो दिल चांदा सदा रवा तेरे नाल वे बस वे डोला तू अखियां दे कोल रो सामने वे रो सामने चन्ना वे मुंह बोल पावे ना बोल बस वे डोला तू अखियां दे कोल एक इसका लास्ट फिक्रा मैं सुनाता हूँ आपको वग दिए रावी विच सुटनिया कंगियां सारा जग छड़ के मैं तेरे रंग रंगियां सारा जग छड़ के मैं तेरे रंग रंगियां बस वे डोला तू अखियां दे कोल कोल वाह 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 कि ये टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड चीज है गॉड गिफ्टेड तो है लेकिन उसको कदर उसके एप्रिशिएशन करनी चाहिए मेरे सामने अगर कोई लड़की टैलेंट दिखा रही है स्टडी के मामले में या किसी ये लड़का दिखा रहा है कोई बुजुर्ग दिखा रहा है तो मैं बहुत उसको अप्रिशिएट करूंगा बल्कि मैं उसको फॉलो करूंगा करना चाहिए इसमें देखिए ये तो मैं तो कहती हूं कमजोर लोग होते हैं जो जेंडर कॉम्प्लेक्स में पड़ते हैं वो बड़े कमजोर लोग होते हैं मैं तो उन्हें कमजोर लोग ही कहूंगी कि बस ज़हनी उनकी कोई सोच और वही जो है ना वो नालायक लोग होते हैं खानदानी लोग नहीं होते ये बात गलत है बुरे होते हैं खैर जो टैलेंट जिसका भी हो उसको आपको मानना चाहिए वो मेल हो या फीमेल हो तो उसको लाजमी आप माने और उसकी कदर भी करेंगे तो अब इसके आगे मैं तसव्वुर खानम जो है वो पाकिस्तान की अच्छा तसव्वुर खानम उन्होंने भी बड़े अच्छे गाने गाए मैडम है वो जी तो थोड़ा सा उसका सुना देता हूँ उसका भी सुना दे सब तू सोनिया हाय वे मन मोनिया मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई वे सब तू सोनिया हाय वे मन मोनिया ला 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 हो तेरे मुखड़े तू फुल भी संग दे तू ऐडा रंग रंगीला है तू ऐडा रंग रंगीला है नैन मेरे ते थो दिल पे मंग दे तू बहुता क्यों शर्मीला है तू बहुता क्यों शर्मीला है इश्क दा बादशाह तू हुस्न दा शहनशाह इश्क दा बादशाह तू हुसन दा शहनशाह मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई वे सब तू सोनिया आए वे मन मोनिया वाह अच्छा ये निशो में फिल्माया गया और ये रंगीला के लिए गाया रंगीला के लिए गाया और लोगों को बड़ा इतराज हुआ कि इतनी तारीफें रंगीला की कर दी और एक बात इधर मैं ऐड कर दूं
रंगीला चले शक्लें तो अल्लाह पाक ने बनाई है, सारी जिंदगी खूबसूरत नहीं बना, लेकिन उस फिल्म में उन्होंने बहुत खूबसूरत बना के उसको पेश किया जिस जगह पे बिठाया उसको। अब उन्होंने ये सोचा कि कम से कम इस गाने की लाज रखी जाए। नहीं वैसे लेकिन रंगीला बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। मनवर दीप हो गया, रंगीला हो गया, और जिसको नन्ना मोटा कहते हैं अलीजाद हो गया, ये बड़े लेजेंड और बहुत ही, और इनकी वजह से मनवर दीप, क्या बात, इन लोगों की वजह से मैडम पाकिस्तान इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की। रंगीला और मनवर दीप ने बड़ी मिलकर दोनों फिल्में की, बहुत फिल्में की है। तो मेहंदी हसन साहब के तो बहुत ही प्यारे गाने भी हैं, गजलें भी हैं उनकी, लेकिन उनमें से एक मुझे जो अच्छा लगता है गाना सॉन्ग उनका, वो मैं सुना देता हूँ आपको। चलिए जरूर सुनाइए। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, लोग यहां तेरे मेरे प्यार को आजमाएंगे, तुझको अलग रुलाएंगे, मुझको अलग सताएंगे, अपना मगर है फैसला, अपना मगर है फैसला, होंगे ना हम जुदा सनम। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैडम गाना मैं अपने जुडिशरी के हवाले से मैं सुनता हूँ ज्यादा। अच्छा, वो किस लिए? वो इसलिए कि मुझे इस प्रोफेशन से, इस सीट से बड़ा प्यार है। अच्छा, कि जब अल्लाह नेमते बांटते हैं तो उनमें से एक नेमत ये भी है। अच्छा अच्छा, यानी आप इसको फोकस करके, मैं ये किसी लड़की को, ये मोहब्बत शोबत कोई नहीं है, बस आपकी मोहब्बत, मोहब्बत ये जुडिशरी है बस, ठीक है। और एक बार एक अल्लाह ताला आपको आपकी मोहब्बत दे भाई, हम तो दुआ करें। अच्छा, ये जो पैरोडी आपने मुझे कहा आप करते थे, हाँ, पैरोडी थोड़ी सी करके सुनाए ना, थोड़ी थोड़ी। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा रहा, इसके पीछे इन चोरों का हाथ है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों, जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है उन सब में हमारे लोग शामिल हैं, पाकिस्तानी शामिल है। ये अल्लाह का कर्म है हम पे कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं। चलो जी। मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा, इन चोरों को मैं पकड़ के जेल में भेजूंगा। अच्छा, वैसे कीता थे इन्हें फिर जो कहा उसने करके वो करके दिखाया इसने। अच्छा, सब बिलावल भुट्टो चाचा नवाज शरीफ मेरे आप चाचा हो, मैं एक अजीम माँ का बेटा हूँ, मैं आप सियासत में आ चुका हूँ, आपसे मैं सीखूंगा भी। ये उसकी वे सिखाऊंगा भी, सिखाऊंगा। अच्छा, तो मरियम नवाज क्या करती है जी? लव यू नवाज शरीफ, नवाज शरीफ आपके दिलों में बसा हुआ है। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ खुद। ये नवाज शरीफ की जगह आप मुझे ही नवाज शरीफ समझें। ठीक है जी। वाह जी वाह, अच्छा अच्छा। मैं आपकी बेटी हूँ, कौम की बेटी हूँ, भाइयों आप सबको मुझ पे उम्मीदें हैं ना, है तो हाथ खड़ा करें। है ना, वो पूछती है बकायदा। हेलो जनाब, ये थोड़ा सा ऐसे फन क्रिएट किया है, तो दिल पे इसको वैसे ना ले लीजिएगा, क्योंकि ये तो एक उनकी सलाहियत थी, तो मैंने कहा चले एक जरा हटके हो जाएगा तो हम सुन लेते हैं। अच्छा आसिम, और क्या सुनाएंगे आप? हाँ, मैं आपको ना अब जगजीत सिंह की एक गजल है, छोटी सी, गाना कह लें, गजल कह लें, सुना दे, वो मैं सुनाऊंगा आपको। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम गरास आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को
हमने समझाया जिंदगी धूप तुम गना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया तुम चले जाओगे तो सोचेंगे तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया जिंदगी धूप तुम गना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बड़ा खूबसूरत है वाकई। बाद लोग ऐसे होते हैं कि चले तो चांद रुके तो हवाओं जैसा है वो शख्स धूप में देखो तो छाओं जैसा। जबरदस्त। अच्छा मैडम आप भी इतने प्रोग्राम किए हैं इतनी शेरो शायरी भी सुनी है सॉन्ग भी सुने हैं आप भी कुछ शेर सुना दिया करें शेर और शायरी का। मैं तो वैसे क्योंकि मैं प्रोग्राम तो ये प्रोग्राम ही मेरी पसंद का है तो इसमें आप लोगों के शेर अशार में सुनती हूँ और अच्छे अच्छा म्यूजिक सुनती हूँ। हाँ जी हाईकोर्ट में करवाती रहती हूँ प्रोग्राम वैसे लाहौर बार में भी हाईकोर्ट में भी तो मैं तो देखें आप जैसे अच्छे जब बहन भाई आते हैं तो उन पे तो मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि मैं मुनीर नियाजी ने जैसे कहा था कि हर किसी के चेहरे में एक ज़ियासी होती है रुख के एक हिस्से में हुस्न के इलाके की एक अदासी होती है उसको मैंने देखा था। क्या बात है। तो जिस तरफ को रस्ते थे जिनके साथ गलियाँ थीं जिनमें लोग बसते थे बेकशिश मकानों में जैसे चांद रातें थीं उसके सर्द चेहरे पे खुशगवार आंखें थीं उसको मैंने देखा था। तो मैं तो हमेशा जो अल्लाह की बनी हुई मखलूक है उसमें जो उसकी खूबसूरती है आप यकीन कीजिए मैं उसको देखती हूँ ऑलवेज। मैं हमेशा मेरी ख्वाहिश होती है कि जो इनका एक खूबसूरत पहलू है वो लोगों के सामने आना चाहिए और उसी को शेयर होना चाहिए। फेसबुक पर शेयर किया था बड़े लोगों ने पसंद किया कि क्यामत खेज़ हैं आँखें तुम्हारी क्यामत खेज़ हैं आँखें तुम्हारी तुम आखिर ख्वाब किसके देखते हो। ओह वाह क्या बात है मैडम जबरदस्त। तो आंखों का बड़ा जिक्र है ना शायरी में तो उसमें भी परेशानी होगी कि अगर किसी की खूबसूरत आंखें तो पूछा जाए कि भाई तुम ख्वाब किसके देखते हो भाई वो उसका पर्सनल मैटर है जिसके मर्जी देखता है देखे ना देखे उसका अपना प्रॉब्लम है। लेकिन वैसे अच्छा शेयर था वो खैर मैंने उसको शेयर किया और बड़ा उसको पसंद किया गया। वैसे मैं करवाती रहती हूँ प्रोग्राम इंशाल्लाह अब आप यहाँ पे हैं ना तो आप उसमें शिरकत करेंगे जैसे कि अब कल से अगस्त हमारा शुरू होने वाला है तो उसमें 14 अगस्त के हवाले से भी पाकिस्तान के हवाले से भी प्रोग्राम हम करेंगे इंशाल्लाह। ऐ वतन प्यारे वतन चलिए पाकिस्तान को ट्रिब्यूट कर रहे हैं हम जी। ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन पाक वतन तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गैयूर मेरी हस्ती में अना है मेरी मस्ती में शऊर जा फिदा मेरा तहय्युल को शीरी है सुहन ऐ वतन प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन। वाओ माशाल्लाह आसिम आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच। आपने चार चांद चार आठ चांद बल्कि लगा दिए हमारे इस प्रोग्राम को। तो जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करती हूँ इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी और लंदन मेल फीमेल लेडी लॉयर या मेल लॉयर के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।